एकेडमिकम क्लास 10th, सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री और आज है लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। सो योर फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? एज यू नो दैट द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज अगेन इन टू द रिएक्टेंट्स एंड द रिएक्शन इज कम्प्लीट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। सो यू कैन ऑल्सो टेक डेफिनेशन फ्रॉम योर बुक और एनी टू कैरेक्टर्स। And here I have shared the answer of these questions as well. You can copy from it. So your next short question is define chemical equilibrium state. ये भी इसकी definition आपकी book में mention है, आप वहीं से याद करें इसको। When the rate of forward reactions take place at the rate of reverse reaction, the composition of reaction mixture remains constant. It is called a chemical equilibrium state. केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट आपको बताया दो तरह की होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक, जिनकी भी डेफिनेशन आप अब याद कर चुके होंगे। योर क्वेश्चन नंबर 3 इज़ गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन सबसे पहले आप बताएं क्या होते हैं। इट इज़ अ रिएक्शन विद रिएक्टेंट्स चेंजेस इन टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट अगेन चेंजेस इन टू द रिएक्टेंट एंड दे आर नेवर गो टू कम्प्लीशन। ठीक है, ये इसका फर्स्ट करेक्टर है एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द डबल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। टू करेक्टरिस्टिक्स आर इनफ फॉर अ शॉर्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। यू अगेन विल राइट द Definition of dynamic equilibrium is established when reaction does not stop, only the rate of forward and reaction reverse reactions become equal to each other but take place in opposite direction. Your next question, why at equilibrium state reaction does not stop? Equilibrium state par pahunchne ke baad reaction stop kyun nahi hota? So its answer again wahi upar wale question ki tarah hi hai ki rate of forward reaction jo hai wo एग्जैक्टली इक्वल होता है टू रेट ऑफ रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस वजह से जैसे ही रिवर्स रिएक्शन कंप्लीट होता है तो फॉरवर्ड शुरू हो जाता है, फॉरवर्ड कंप्लीट होता है तो रिवर्स शुरू हो जाता है, तो ये कभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, चलता रहता है। वाई इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम ईधर वे? सो एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फ्रॉम ईधर वे बिकॉज इट मे स्टार्ट फ्रॉम रिएक्टेंट टू गिव प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैन रिएक्ट टू गिव रिएक्टेंट्स। ये जो आपको लास्ट 3 क्वेश्चन अभी मैंने बोले हैं, प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, देयर आंसर्स आर इन द प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो मैंने आपको बताया भी था कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप अपने टेक्स्ट से वहाँ से देख सकते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। सो एज यू हैव स्टडीड अबाउट द law of mass action, ठीक है, in which you have studied the relation between the active mass and the rate of reaction. So according to Gulberg and Wack's law of mass action, the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of the reacting species. Your question number 8 is requiring from you that you have to write the balanced chemical equation of ammonia. सबसे पहले आपको अमोनिया का balanced chemical equation लिखना है और उसके बाद आपको उसका equilibrium constant expression लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसकी जो है वो balanced chemical state क्या है। N2 plus 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहले हमने इसका फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा RF, विच इज़ इक्वलेंट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, एंड देन वी हैव राइट द रिवर्स रिएक्शन विच इज़ इक्वलेंट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद कैसी एक्सप्रेशन आप लिखेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन को आप ऊपर रखेंगे, रिवर्स रिएक्शन को नीचे रखेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वेलेंट है? प्रोडक्ट के। इसका मतलब है प्रोडक्ट ऊपर आएंगे और रिएक्टेंट नीचे आएंगे, जैसे कि आपने पीछे एग्जांपल्स में भी किया था। तो आपने ये केसी एक्सप्रेशन लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इस तरह का एक आधा तो आपको ज़रूर आएगा, जिसमें आपसे कहा जाएगा कि इस केमिकल इक्वेशन का केसी एक्सप्रेशन लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है कि आपको दो केमिकल इक्वेशन दे दी गई हैं और आपसे कहा गया है कि इसका केसी एक्सप्रेशन लिखें। अब आई होप सो कि अब आपको आता है केसी एक्सप्रेशन लिखना। प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट्स को नीचे लिखेंगे और इनके जो कोएफिशिएंट हैं उसको मोलर कंसंट्रेशन यानी ब्रैकेट्स के ऊपर आप पावर में मेंशन कर देंगे, एज
given over here as well. So your next question number is 10. How can direction of a reaction be predicted? अभी lastly हमने lecture 5 में direction of a reaction के बारे में पढ़ा था. Shortly यहाँ बताया गया कि if QC is less than KC तो reaction जो है वो forward होगा. If QC is greater than KC then reaction जो है वो reverse होगा. And when it is equal to QC and KC are equal to each other, it means that your reaction has attained the equilibrium. Okay, ये picture form में भी given है, जो आपके text में भी given है, ठीक है? Okay, next this question number 11. How can you know that a reaction has achieved an equilibrium state? Again, अगर QC KC के equal आ रहा है, तो it means that your reaction has attained the equilibrium state. Next question number 12 is what are the characteristics of a reaction that establishes equilibrium state at once. यानी आपने ऐसे reaction का character बताना है जिसने एक बार equilibrium state attain कर लिया है. So you don't need to tell all 4 or 5 character, you just go for 2 characteristics which is enough for 2 marks short question. So the reaction which attain the equilibrium are called reversible. तो इसके character है, first in this reaction dynamic state of equilibrium is established with very small conversion of reactant to product. These reactions never go to completion, they proceed in both direction. For these reactions value of KC is small, so mention any 2 or 3, that's enough. Your next question is question number 13. It requires if reaction quotient QC of a reaction is more than KC. So now you well know about this answer, I hope so, that agar QC value larger hai KC value se, to aapka reaction ki direction kya hogi? It will be reverse from right to left. So your last question is question number 14. It requires an industry was established based upon a reversible reaction. एक industry है, उसको base किया गया है reversible reaction. यानी उसके reactants product में change होते हैं and product reactant में change होते हैं. It failed to achieve product on commercial scale. लेकिन एक commercial level पर जो products आने चाहिए थे, वो industry उसके level को meet नहीं करती. Can you point out the basic reasons of its failure being a chemist? तो क्या आप chemistry के point से बता सकते हैं कि why it is this way? क्यों products की concentration जो है वो required amount में नहीं आई? So the answer is industry established on the basis of a reversible reaction fails because reaction is a reversible. ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में ही डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है. फर्स्ट यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, इन विच डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट रिकम्बाइंड टू फॉर्म द रिएक्टेंट, सो डिजायर्ड केमिकल प्रोडक्ट्स एंड रिक्वायर्ड अमाउंट इज नॉट ऑब्टेन्ड. ठीक है, तो ये हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चन. आपने इनको अच्छे से अपने पास लिख लेना है, याद कर लेना है. ऑल्दो इन सब के आंसर्स आपको आपके टेक्स्ट से भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे, अदरवाइज आप यहाँ से लिख लें, ठीक है, और उसको अच्छे से याद कर लें. ठीक है, इसके जो रह गए हैं आपके MCQs और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़.